तो अपन पढ़ते हैं 11 सितंबर की न्यूज़। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक अपन कवर करने वाले हैं आज की तारीख में। मार्केट इंटरवेंशन प्राइस स्कीम, ये एक्चुअली क्या है, टेम्प्रेरी स्कीम होती है जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 50-50% के ऊपर इसको चलाया जाता है। इसमें जो हॉर्टिकल्चर या पेरिशेबल जो कमोडिटीज होती है उनको सरकार खरीद लेती है, अगर बम्पर पैदावार होती है या ऐसी कंडीशन में जिसमें फार्मर को नुकसान हो सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इसको चलाता है। ये एक एडहॉक स्कीम, मतलब टेम्परेरी स्कीम है 50-50% बेसिस के ऊपर। इसके अंदर कमोडिटीज जैसे एप्पल, गार्लिक बहुत सारी होती हैं। नेक्स्ट चलते आसियान की अपन बात करें तो यू शुड नो 8-9 तारीख में अपन ने पढ़ा है आसियान देश, इसके साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो अभी ये 2010 में स्टार्ट हुआ था इंडिया का आसियान के साथ। इंडिया से खुश नहीं है क्योंकि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो एक्चुअली बढ़ता जा रहा है आसियान देशों के साथ। फॉल आर्मी वेयर वॉर वॉर्म, तो फॉल आर्मी वॉर्म जो होता है बेसिकली मेज को नुकसान पहुंचा रहा है। इंडिया मेज का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ये जो फॉल आर्मी वॉर्म है ये अमेरिका से स्टार्ट हुआ था, नेटिव वहीं से है ये, फिर अफ्रीका में 2016 में डिटेक्ट हुआ, फिर इंडिया में कर्नाटका में ये डिटेक्ट हुआ, फिर बहुत सारी जगह फैल गया ये। तो ये हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है जैसे मेज, ज्वार, शुगर केन, और ये कीड़ा जो होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। सरदार सरोवर डैम मध्य प्रदेश गुजरात के बीच में ये विवादित एरिया है। सरदार सरोवर जिसको अपन सरदार वल्लभ भाई पटेल या स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से याद रख सकते हैं, गुजरात। तो नर्मदा वाटर डिस्प्यूट जो है वो एक्चुअली आपके गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच में चल रहा है। सो वर्ल्ड बैंक ने इसको फाइनेंस किया था। नेक्स्ट अपन चलते हैं, एक रिपोर्ट निकाली गई है अभी हाल ही के अंदर, एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को COP24 की जो यूनाइटेड नेशन का कॉम्पैक्ट डेजर्टिफिकेशन है यहाँ पर रिलीज किया गया है, जिसमें ड्रॉट और उससे होने वाले रिस्क के बारे में चर्चा की गई है। इंडिया का लगभग 40% हिस्सा जो है वो ड्रॉट वल्नरेबल एरिया के अंदर आता है। नेक्स्ट है आपका बेसेल बैन एग्रीमेंट, अभी हाल ही के अंदर कोटिया ने इसको ज्वाइन किया है। और इसका संबंध किससे है, बेसेल बैन एग्रीमेंट का? बेसेल बैन एग्रीमेंट का संबंध हैजर्डस वेस्टेज से है कि हैजर्डस वेस्टेज को जो है जो अमीर देश हैं वो गरीब देशों में ना भेजें हैजर्डस वेस्ट को, जो ट्रांस बॉर्डर मूवमेंट है वेस्टेज की वो ना हो, इसके लिए ये बेसेल कन्वेंशन है। तो हालांकि बेसेल नाम से बहुत सारे कन्वेंशन है, बट यू शुड नो इट वेरी वेल। नेक्स्ट चलते हैं आपका स्नो लिपर्ड की हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन कॉम्पैक्ट डेजर्टिफिकेशन के अंदर इसकी चर्चा की गई है। ये स्नो लिपर्ड वल्नरेबल होता है, उत्तराखंड का स्टेट एनिमल है, 12 देशों में पाया जाता है, साइट्स के अंदर आता है। साइट्स जो है यूनाइटेड नेशन की बॉडी नहीं है, ये एक IUCN के मेंबर्स ने जब मीटिंग हुई थी वहां पे इसका प्रतिपादन हुआ था, 1975 की बात है ये। बिश्केक एग्रीमेंट का संबंध जो है वो बेसिकली स्नो लिपर्ड से है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्रायो ड्रैकोन करके एक फ्लाइंग एनिमल डिटेक्ट हुआ है कैनेडा के अंदर। सो इट्स अ काइंड ऑफ लार्जेस्ट फ्लाइंग एनिमल उस समय का। झारखंड और नेशनल वाटरवे 1 जो है गंगा रिवर पे है, और जल मार्ग विकास का वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर रहा है, नॉट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट स्टैटिक क्विज पे चलते हैं अपन। बैलेंस ऑफ पेमेंट से आप क्या समझते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट आता है। करंट अकाउंट में विजिबल और इनविजिबल ट्रांजेक्शन दोनों ही आते हैं, जैसे इसकी सर्विसेज एंड बैलेंस ट्रांसफर एंड ऑल। कैपिटल अकाउंट के अंदर आपके एक्सटर्नल इकोनॉमिक बोरोइंग, कॉमर्शियल बोरोइंग, इसके अलावा FDI और FPI आते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि आपके फूड और एनर्जी प्राइसेस में कितना टोटल इन्फ्लेशन है। जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है वो इतने एक्यूरेट नहीं होते हैं, जबकि कोर जो इन्फ्लेशन होता है ज्यादा एक्यूरेट होता है। कोर इन्फ्लेशन को CPI के ऊपर नापा जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर नापा जाता है, इसलिए ज्यादा एक्यूरेट होता है। RBI ने इसकी लिमिट 4% कर रखी है कोर इन्फ्लेशन की, ±2% विद डेविएशन। कॉर्पोरेट बॉन्ड जो होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में यूज नहीं किया जाता है।
कॉर्पोरेट बॉन्ड जो होता है उसमें ऑनरशिप नहीं मिलती है। इसके इसके अंदर कॉर्पोरेट बॉन्ड को प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों जारी कर सकते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्पोरेट बॉन्ड को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में यूज क्यों नहीं किया जाता है, वी रियली डोंट नो। व्हाइट लेवल एटीएम का मतलब होता है थर्ड पार्टी के द्वारा मैनेज किया जाने वाला व्हाइट लेवल एटीएम होता है। नेक्स्ट चलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट वगैरह क्या होती है, यू शुड नॉट वेरी वेल। आर्टिकल 114 का संबंध जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से है, जिसमें पैसा आप पार्लियामेंट की मंजूरी से ही निकाल सकते हो। आर्टिकल 112 जिसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात की, जिसे हम गवर्नमेंट बजट कहते हैं। तो यू शुड नो रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट एंड ऑल। नेक्स्ट चलते हैं स्टैटिक क्विज आर्ट एंड कल्चर के ऊपर। गुप्ता काल के अंदर जो है गोल्डन टाइम था गुप्ता काल का इंडियन आर्किटेक्चर में, क्योंकि वहां सभी धर्मों को सराहा जाता था। केव्स जो थी इतनी ज्यादा नहीं बनी थी, पर केव्स इंपॉर्टेंट केव्स वहां पर बहुत सारी हुई थी गुप्ता काल के अंदर। बुद्ध और जैनिज्म के बहुत सारी पेंटिंग देखने को मिलती है। मुराल पेंटिंग देखने को मिलती है आपको अजंता और एलोरा के अंदर। अजंता के अंदर आपको फ्रेस्को पेंटिंग भी देखने को मिलती है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स। एक फोक आर्ट होता है जिसको नाम कहते हैं तुम डुम बट्टम, ये केरला के अंदर होता है। ये एक तरह का ड्रम होता है, डम डम डम, इसको आप याद रख सकते हो। नीचे अगर एक मंदिर है जिसका नाम है मार्केश्वर मंदिर, मार्केंडेश्वर मंदिर, ये आपके महाराष्ट्र के अंदर है। ये जिसको अपन खजुराहो विदर्भ भी कहते हैं, ये वैनगंगा के आसपास में है। ये नागरा स्टाइल के अंदर बना हुआ है, नॉर्थ इंडिया का नागरा स्टाइल होती है नॉर्थ इंडिया में। टेम्पल जो है यहाँ पर शिव वैष्णव और शक्ति का जो है रूप देखने को मिलता है आपको। विजयनगर पीरियड के अंदर बहुत सारे टेम्पल बने थे, जैसे वर्धा राजा, एकम प्राणनाथ और चिदम्बरम। वर्धा राजा और एकम प्राणनाथ जो टेम्पल है वो कांचीपुरम के अंदर है, विजयनगर स्टाइल के अंदर इसको बनाया गया है। सो नायक रूलर्स यू शुड नो बाबा विजयनगर। बाबा गुरु नानक की अपन बात करें तो उन्होंने नहीं कहा था कि एक नया रिलिज्म बनाया जाए, उनकी इच्छा नहीं थी ऐसा सच, बट उन्होंने जो सेक्रीफाइस वगैरह होते हैं हिंदुज्म के अंदर उनका विरोध किया था। फाइव सिम्बल जो हैं सिखिज्म के वो गुरु गोविंद सिंह ने दिए थे, ना कि गुरु नानक ने। नेक्स्ट अपन चलते हैं, माइक्रोप्लास्टिक का मतलब होता है कि जिसकी लेंथ 5 mm से कम होती है, यू शुड नो। रीनेमिंग ऑफ स्टेट्स की अपन बात करें तो ये स्टेट की या पार्लियामेंट या स्टेट दोनों में से कोई भी रीनेमिंग को इंट्रोड्यूस कर सकता है। आर्टिकल 3 के अंदर दे रखा है नेमिंग ऑफ एनी स्टेट। उसके अलावा प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो स्टेट को पूछ सकता है कि भाई आपका नाम चेंज किया जाए या नहीं किया जाए। हालांकि पार्लियामेंट इससे बाधित नहीं है स्टेट की व्यू से। माइक्रो रोड टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि एक तरह का QR कोड होता है या बार कोड होता है, जो कि गाड़ी के ऊपर हिडन फॉर्मेट में चिपका दिया जाता है उसके कलर के अंदर। अल्ट्रा वायलेट लाइट से उसको पढ़ सकते हो। एथेनॉल जो होता है वो एक्चुअली आपके बहुत सारे तरीकों से बन सकता है, जैसे कि शुगर केन, मेज एंड ऑल। एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है एथेनॉल। अटल थिंकरिंग लैब की अपन बात करें तो इसको गवर्नमेंट स्कूल के साथ साथ प्राइवेट स्कूल के अंदर ग्रांट दी जाती है, फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाता है 10-10 लाख रुपए का 5 सालों के लिए, 6ठी से 10वीं क्लास के लिए। नेक्स्ट चलते हैं बाबा की न्यूज पे। बर्न और पेरिस प्लस एग्रीमेंट का संबंध जो है ट्रिप्स एग्रीमेंट से है, WTO के ट्रिप्स एग्रीमेंट से। बर्न इज ए कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड। विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होती है, ये यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, 1967 की बात है ये विपो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो केशवानंद भारती जो है उस केस के अंदर निकल के सामने आया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई थी। इसके अलावा हॉरेन हेस्टिंग जो थे वो पहले गवर्नर जनरल बने थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे, नॉट इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज बेंटिक। प्राइवेट ट्रेड को बंद कर दिया गया था इसके अंदर। नेक्स्ट है मेयर कोरसूर, एक तरह का ब्लॉक होता है, ट्रेडिंग ब्लॉक होता है, जो कि साउथ अमेरिकन ट्रेडिंग ब्लॉक है, यहाँ की कंट्रीज दे रखी है। तुलबन नेविगेशन प्रोजेक्ट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, प्रॉब्लम नॉट इंपॉर्टेंट। वुलर लेक इज अ फ्रेश लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। दिस इज आवर न्यूज़ फ्रेश, थैंक्स।